नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर रिएक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर की तरफ से भर्ती निकली है, अप्रेंटिस की भर्ती है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप घर बैठे सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई फॉर रिएक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो शेयर किए जाएँ दोस्तों लेटेस्ट, उसी टाइम जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए चेक कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। पश्चिमी मध्य रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर की तरफ से ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और ये जो अप्रेंटिस की भर्ती है दोस्तों, आपको याद दिला दें, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 14 फरवरी 2020। तो लास्ट डेट का आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है और आपको सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि लास्ट डेट का वेट आपने बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेड की। देखिए यहाँ पे है ट्रेड का नाम डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, मशीनिस्ट है नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे है दोस्तों फिटर, टर्नर, वायरमैन है, और उसके ठीक नीचे जो है मेसोन, कारपेंटर, और उसके बाद है पेंटर, गार्डनर, फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपिंग है, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, और नंबर 14 पे जो पोस्ट है हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसको हम कोपा बोलते हैं। स्टेनोग्राफर की निकली है दोस्तों इंग्लिश और हिंदी की, और काफ़ी पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की भी। बेकर एंड कन्फेक्शनर, और उसके बाद है अप्रेंटिस है दोस्तों फूड प्रोडक्शन जनरल की है, अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन वेजिटेरियन की भी है, और इसी के ठीक नीचे जो है कुकिंग कुकिंग की है, अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन कुकिंग, होटल क्लर्क रिसेप्शनिस्ट इसको बोलते हैं, डिजिटल फोटोग्राफी की है, और है असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, और कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, और भी है दोस्तों एक पेज और है इसी के नीचे। तो ये आपके सामने है सारी ट्रेड्स। तो मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों कैंडिडेट्स को, जिन्होंने ITI पास किया है, वो अपनी ट्रेड को अच्छी तरह से चेक करके आप अप्लाई करें। काफ़ी पोस्ट हैं, 1273 पोस्ट हैं दोस्तों, 1273 पोस्ट टोटल आपके सामने हैं। और इसमें जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे डीजल मैकेनिक की अगर हम बात करें नंबर 1 पे, तो एससी की 15 पोस्ट हैं, एसटी की 7, ओबीसी की 27 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 10, जनरल की 41 है, टोटल मिला के 100 पोस्ट हैं दोस्तों डीजल मैकेनिक की। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन की आप चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, 56 एससी के लिए, एसटी के लिए 28 है, 102 पोस्ट ओबीसी की, 38 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस, और जनरल की 156, 380 पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की। 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10वीं क्लास पास और ITI पास होना चाहिए दोस्तों। जो कंसर्न ट्रेड है उसी ट्रेड में आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पूरी ट्रेड जो है आप अच्छी तरह से चेक करेंगे इसको, सारी डिटेल को, तभी आप अप्लाई करें। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एज का क्लियर मेंशन किया है, एज कम से कम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए दोस्तों। एज यानी कि 15 और 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, क्लियर मेंशन है। OBC के लिए 3 साल की छूट है। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिपीट कर देते हैं दोस्तों कि 10th क्लास में मार्क्स आपके 50% होने जरूरी हैं, और ITI जिन्होंने किया है दोस्तों NCVT से या SCVT से, दोनों प्रकार के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक वीडियो में दोस्तों बताया भी था कि रेलवे के अंदर जितने भी रिक्रूटमेंट निकलती हैं, अप्रेंटिस की भर्ती जितने भी निकलती हैं, तो सभी में लिखते हैं SCVT/NCVT। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपने ध्यान रखना है, ITI पास कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ये यहाँ पे क्लियर मेंशन है। सिलेक्शन का प्रोसेस 10th क्लास के बेस पे जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी दोस्तों। कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मौखिक परीक्षा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। प्योर मेरिट के बेस पे है दोस्तों, ये 1 साल की ट्रेड रहेगी इसमें। तो इसको आप पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड करके तभी आप अप्लाई करें, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार का जो है कन्फ्यूजन ना रहे। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है दोस्तों, और यहाँ पे इन्होंने बताया अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2020 तक आप इसमें
अप्लाई कर सकते हैं साइट पे जाके। ये साइट का नाम है दोस्तों mponline.government.in, क्योंकि जबलपुर की भर्ती है वहीं पे अप्रेंटिस होगी दोस्तों, वहीं पे होगा पूरा प्रोसेस। तो एमपी में पड़ता है जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में, तो साइट है mponline.government.in। इस साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस का 70+ GST और 1500 रुपये नॉन रिफंडेबल है, लेकिन छूट है दोस्तों एससी के लिए, SC ST के लिए छूट है फीस में। यहाँ पे है इस कॉलम के अंदर मेंशन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS फिजिकल हैंडीकैप और वुमेन कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए छूट है दोस्तों फीस में, इसका भी आपने पूरा ध्यान रखना है। फॉर्म अप्लाई करते हुए अगर कोई भी आपको तकनीक की सहायता चाहिए दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आपको आती है किसी भी प्रकार की, भी फ़ोन नंबर दिया है ऑफिस टाइम में, आप जो है कॉल करके अपना कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप उसको दूर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से 1273 पदों की भर्ती के लिए। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और सभी ग्रुप्स में आप शेयर करें दोस्तों, ITI वगैरह के जितने भी ग्रुप्स हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसको बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।